नमस्ते बच्चों। तो हमने क्लास 8 का साइंस का 8 नंबर का चैप्टर पोल्यूशन स्टार्ट किया था, ठीक है। तो आज हम उसके अंदर जो एक टॉपिक है उसको स्टडी करेंगे, जो है इफेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन ऑन प्लांट्स एंड एनिमल। अब देखिए, ये अगर एग्जाम पे आता है तो आपको प्लांट और एनिमल में क्या, देखिए हमने सबसे पहले प्रीवियस इसमें देखा कि जो एयर पोल्यूटेंट होते हैं उसका इफेक्ट क्या है, सोर्स क्या क्या है, तो वही इफेक्ट आपको लिखना है। देखिए आप अपने मन से भी इसको जो है वो लिख सकते हैं। देखिए सबसे पहले अगर हम प्लांट की अगर हम बात करें तो बहुत सारे डिसीज है, उसको खोज लीजिए कि कौन कौन से डिसीज प्लांट को एयर पोल्यूशन की वजह से होते हैं, वो भी आप लिख सकते हैं। इन जनरल की बात करें तो जो स्टोमाटा होता है, देखिए जो स्टोमाटा होता है, हमने कल के इसमें देखा कि स्टोमाटा जो लीव्स पे होता है वो ब्रीदिंग का काम करता है। जैसे हमारे नोज है, हम ब्रीद करते हैं, सांस लेते हैं छोड़ते हैं, सांस लेते हैं, उनको भी जो पत्तियां होती है वहां पे छोटा छोटा स्टोमाटा होता है, होल्स होते हैं जिसके थ्रू वो कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करते हैं, अंदर लेते हैं। अब जो एयर पोल्यूशन बढ़ता है उससे वजह से ये होल जो है ये बंद होना शुरू हो जाता है, क्लोज हो जाता है। अब ये क्लोज हो जाएंगे, जैसे हमारी अगर नाक अगर किसी ने बंद कर दी तो हम सांस अच्छी तरीके से नहीं ले पाएंगे, तो ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस जो है वो अच्छी तरीके से इनकी होगी नहीं, तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है वो स्लो हो जाएगा। यानी इसमें दो पॉइंट, एक तो पहला इन्होंने लिया कि स्टोमेटा जो है वो क्लोज हो जाएगा अब, और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस भी स्लो हो जाएगी। होता क्या है, उसकी वजह से ग्रोथ भी रिटार्ड होती है। आप चौथा पॉइंट लिख सकते हैं कि जो लीव्स है वो येलो हो जाते हैं। अब क्यों होते हैं, देखिए जो सल्फर डाइऑक्साइड होता है वो क्या करता है, लीफ को ब्लीच करता है। ब्लीच यानी जैसे हम हमारे स्किन को ब्लीच लगाते हैं गोरा दिखने के लिए, वैसे ये SO2 इसको ब्लीच करता है, जिसकी वजह से जो पत्तियों में क्लोरोफिल होता है वो कम हो जाता है, इसका लॉस हो जाता है और पत्तियां जो है वो येलो हो जाती है। अब क्लोरोफिल क्या करता है, फोटोसिंथेसिस में बहुत अच्छा रोल है, तो फोटोसिंथेसिस का भी रेट जो है वो स्लो डाउन होगा। यहाँ पे स्टोमेटा बंद हो रहा है, इसकी वजह से फोटोसिंथेसिस अच्छा नहीं होगा तो फूड नहीं बनेगा उनको, ग्लूकोज। देखिए हमें अगर अच्छा खाना नहीं मिला तो हम तो सूख जाएंगे ना, हाइट भी नहीं बढ़ेगी बच्चों की। उसी प्रकार इसमें होता है, स्टोमेटा बंद हो गया फोटोसिंथेसिस अच्छा नहीं होगा, क्लोरोफिल लॉस हो गया फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो फूड नहीं बनेगा, फूड नहीं बनेगा तो ओवरऑल पूरे प्लांट को फूड मिलेगा नहीं, मिलेगा नहीं तो ग्रोथ जो है वो रिटार्ड हो जाएगी यानी कम हो जाएगी, एंड जो पत्ते हैं वो गिरना शुरू हो जाएंगे और येलो भी होना शुरू हो जाएंगे। तो ये होते हैं इफेक्ट प्लांट पे। एनिमल की बात करें तो एनिमल में सभी एनिमल्स आते हैं, हम भी आते हैं। तो देखिए सबसे हमने पहले देखा था कि कल किस में भी मैंने बताया कि सबसे बड़ा इफेक्ट होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम पे, क्योंकि हम हवा को ब्रीथ करते हैं, लेते हैं अंदर, ठीक है। तो जो रेस्पिरेटरी, क्योंकि रेस्पिरेशन हवा से रिलेटेड है, सांस से रिलेटेड है, तो रेस्पिरेशन जो है वो हमारा अफेक्ट होता है। इसमें आप बहुत सारे लिख सकते हैं कि लंग अफेक्ट होगा, जो आपको कफ हो सकता है, सर्दी हो सकती है, ये सारी डिसीज आप इसमें लिख सकते हैं। उसकी वजह से हेडेक हो सकता है, हमारी आईज में जाता है डायरेक्टली तो आई का इरिटेशन हो सकता है, मेंटल वीकनेस, हमने देखा था कि जो पेस्टिसाइड्स वगैरह स्प्रे करते हैं वो एयर में जाते हैं, वो अगर हम इनहेल करते हैं तो फिर मेंटल वीकनेस आ सकता है, जो हमारी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी होती है वो कम हो जाती है, सिलिकोसिस यानी जो लंग का डिसीज है वो हो सकता है, अस्थमा हो सकता है, ये सारी चीज़ें आप एनिमल्स में जो है वो लिख सकते हैं। ये भी लिख सकते हैं कि जो एयर पोल्यूशन होता है, हमें पता है कि एयर पोल्यूशन की वजह से जो है वो आपकी ब्यूटी जो है वो खराब हो सकती है, स्किन खराब हो सकती है, क्योंकि हम गाड़ी से जाते हैं तो पूरा पोल्यूशन होता है तो आपके स्किन के ऊपर डिपॉजिट हो जाता है, वहाँ पे भी वो इफेक्ट करता है, तो वो भी चीज़ आप लिख सकते हैं। देखिए आपको जो जो दिखता है ना वो सारी चीज़ें आप जो है वो लिख सकते हैं, इसलिए आपको आपका ब्रेन ओपन करना होगा, देखना होगा कि होता क्या है, क्या क्या इफेक्ट, आपको सोचना होगा, क्योंकि देखिए जो बच्चा सोचता है ना वही अच्छा लिख सकता है, तो आपको सोचना भी है कि क्या क्या हो सकता है और ये भी पढ़ना है, ठीक है। वीडियो बनाना की कोशिश की कि एनिमल्स और प्लांट्स में क्या इफेक्ट होता है पोल्यूशन का, एयर पोल्यूशन का। वीडियो हेल्पफुल रहा एक लाइक जरूर करना, दोस्तों को भी शेयर करना, चैनल पे नए सब्सक्राइब करना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।